हेलो एवरीवन हमारा क्वेश्चन है इन अ सोप मिसेल द सोप मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड रेडली विद हाँ बोला है सोप मिसेल्स में सोप कैसे अरेंज रहता है आयनिक इन डायरेक्टली टूवर्ड द सेंटर एंड द हाइड्रोकार्बन इन डायरेक्टली टूवर्ड्स डायरेक्टली डायरेक्टेड आउट हाइड्रोकार्बन इन डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर एंड आयनिक इन डायरेक्टेड आउटवर्ड्स बोथ आयनिक इन आर हाइड्रोकार्बन एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स

और ये हमारा टेल पार्ट होता है ठीक है जिसमें कि हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ठीक है हाइड्रोकार्बन एंड इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एंड इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक एंड ठीक है अब ये वाला पार्ट जो होता है सोल्यूबल होता है और ये वाला पार्ट जो होता है इनसोल्यूबल होता है वाटर में अब इसको हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं इसका अगर बात करें तो हाइड्रोफिलिक हेड और इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है अब मिसेल्स कैसे निर्माण होता है मिसेल्स कैसे बनता है सपोज कर लो कि कहीं पे ऑयल या ग्रीस है ये सपोज कर लो ऑयल है तो ऑयल क्या करता है हमारा जो ये टेल वाला पार्ट है टेल वाले पार्ट से ऐसे करके जुड़ जाता है जो इनसॉल्विबल होता है और ये हमारा हेड वाला पार्ट होता है ये आयनिक पार्ट ये हेड वाला पार्ट यहाँ पे रहता है इस तरह से कई मॉलिक्यूल से ये ऐसे करके जुड़ जाता है ठीक है ये कई मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है ये इस तरह से मिसेल्स बनता है ठीक है ये हमारा मिसल्स है ठीक है जिसमें ये जो है ये सेंटर वाला जो पार्ट है वो ऑयल है, है? है? है, ये, ये है उसको हम लोग टेल पार्ट बोलते हैं जिसको हाइड्रोकार्बन एंड बोल सकते हो हाइड्रो कार्बन एंड ठीक है और ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग को बोलते हैं आयोनिक आयोनिक एंड ठीक है तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेंटर की तरफ में कौन है सेंटर की तरफ में है हम लोग का हाइड्रोकार्बन एंड और जो हमारा आउटसाइड है वो हमारा है कौन सा आयनिक एंड तो हमारा जो सही आंसर होगा बोल रहा है पहला है आयनिक एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ये तो गलत हो जाएगा आयनिक एंड बाहर साइड में है हाइड्रोकार्बन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ये बिल्कुल सही है और आयनिक एंड डायरेक्टेड टुवॉर्ड आउटसाइड ये बिल्कुल सही है कि हाइड्रोकार्बन एंड जो होता है वो क्या होता है सेंटर की तरफ होता है और जो हेड वाला पार्ट होता है आइनिंग वाला पार्ट जो होता है वो बाहर की तरफ होता है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है बोथ बोथ आर आर एंड डायरेक्टेड द सेंटर दोनों सेंटर की तरफ है ऐसा तो नहीं है सेंटर की तरफ सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट तो ये भी गलत हो जाएगा और इसमें बोला है दोनों बाहर की तरफ है ये भी गलत हो जाएगा तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दैट्स ऑल थैंक यू